देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। नुकीली लोहे की रोड वाले गेट को फंद कर परीक्षा देने पहुंची लड़कियां, वीडियो बनाते रह गए लोग। बिहार में बदहाल परीक्षा व्यवस्था ने एक बार फिर सुशासन की पोल खोल के रख दी है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में इंटरमीडिएट की छात्राएं जान जोखिम में डालकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंची। दरअसल नालंदा में कुछ छात्रा जब परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो दरवाजे को बंद पाया। इसके बाद छात्राएं जान जोखिम में डालकर लोहे के दरवाजे पे चढ़ गई और उसे पार करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करती हैं। फरवरी में भी अचानक इतने डिग्री गिरा पारा, बर्फीली हवाओं ने ढाया सतम, जाने मौसम का लेटेस्ट अपडेट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि कुछ दिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में सामान्य बारिश होगी। इसके साथ ही अचानक फिर से शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यहीं आपको बता दें, शीतलहर के चलते एक रात में ही तापमान 4 डिग्री नीचे गिरा। इसके बाद न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम विभाग ने फरवरी 2023 में होने वाली बारिश को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में पूरे देश में मासिक वर्षा सामान्य रहने की संभावना है। जमानत मिलने के हफ्तों बाद आज जेल से रिहा होंगे केरल के पत्रकार सिद्दीकी, देशद्रोह का लगातार आरोप। आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार यानी कि सिद्दीकी कप्पन आज जेल से रिहा हो जाएंगे। जी हां, सूत्रों के मुताबिक दो मामलों में जमानत मिलने के बाद एक महीने से अधिक समय के बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने आज उनके रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको बता दें, उनके वकील ने कहा है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन रिहाई का आदेश समय पर जेल नहीं पहुंचा। गुरुग्राम में 16 साल की लड़की से इंस्टाग्राम फ्रेंड ने किया रेप, मां को भेजा बेटी का अश्लील फोटो। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक होटल में 11वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा से उसके इंस्टाग्राम फ्रेंड ने कथित तौर पर बलात्कार किया। आपको बता दें, पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी खुद दी है। सूत्रों के मुताबिक मामला तब सामने आया जब आरोपी ने बच्ची की मां को उसकी अश्लील तस्वीरें भेजी। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को पोस्ट भी कर दिया गया था। पीड़िता की मां द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार उसकी बेटी ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने बताया है कि उसने पिछले हफ्ते उसे फिर से 2 बार होटल पर बुलाया था। वह मेरी बेटी पर उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन साझा करने की लगातार धमकी देकर उससे मिलने का दबाव बना रहा था। राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से स्कूल बंद, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। तमिलनाडु में कल से जारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी है। इसे देखते हुए तमिलनाडु के बता दें जिले में भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश अचानक से घोषित कर दिए गए हैं। तिरुवरू जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा नागापट्टिनम जिले में भी भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।